कॉन्वेक्स नहीं है। अब फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सो दैट सी बराबर एक्स वन एक्स टू, इस तरह से कोई पॉइंटों का सेट है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, टू एक्स वन प्लस टू थ्री एक्स टू इक्वल टू सेवन, यानी कि लाइन सेगमेंट, एक लाइन है सिंपली, वो ये लाइन है और सबसेट ऑफ आर स्क्वायर है, ये हमारे पास कॉन्वेक्स सेट है, यानी कि हम शो करना चाहते हैं ये एक लाइन है जो कॉन्वेक्स सेट बनाएगी, इसमें जो भी पॉइंट आएंगे ये हमें शो करना है। फ्रेंड्स ये तो हमारे पास एक पॉइंट ले लिया, हम इसे जनरल भी प्रूव कर सकते हैं, जनरली जैसे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, उस लाइन पे भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो पहले हम इसी पे कर लेते हैं, लेट एक्स बराबर एक्स वन एक्स टू एंड वाई बराबर वाई वन वाई टू, यानी कोई एक्स जो लाइन थी उसमें हमने दो पॉइंट ले लिया, एक तो एक्स ले लिया एक वाई ले लिया, और उसके निर्देशांक हमने ये मान लिया जनरली एक्स वन एक्स टू एंड वाई वन वाई टू, यानी टू पॉइंट सी है हमारे, टू पॉइंट इसके सी के इस पर है, मतलब इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर इसमें है ये इस पॉइंट सी के पॉइंट है तो इस कंडीशन को फ्रेंड सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू इक्वल टू सेवन और टू वाई वन प्लस थ्री वाई टू इक्वल टू सेवन, ये दो कंडीशन आएंगे हमारे पास। उसके बाद देन जेड बराबर हमने इस तरह से एक लाइन सेगमेंट शो कर दिया कि लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू, जहाँ पे लेमड़ा की वैल्यू है जीरो से वन के बीच में, इज द लाइन सेगमेंट बिटवीन द लेंथ सेगमेंट ऑफ एक्स एंड वाई, इनका लेंथ सेगमेंट है। उसके बाद हम इसको लेंथ सेगमेंट को हम इसको और कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, जेड बराबर एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी, यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद सिंपली अंदर मल्टीप्लाई किया तो लेमड़ा एक्स वन प्लस लेमड़ा एक्स टू और वन माइनस लेमड़ा एक्स वन प्लस एक्स टू, उसके बाद ये आ गया फ्रेंड्स। उसके बाद हमने जो कार्टिशियन सम होता है उसके अकॉर्डिंग हमने सम कर दिया, जैसे एक्स वन वाले को जो पहली टर्म है उनको पहली टर्म में सम होगा, दूसरी टर्म में उसका दूसरी टर्म में सम होगा, तो लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा बाई वन एंड लेमड़ा एक्स टू प्लस वन माइनस लेमड़ा बाई टू, ये हो गया, यानी कि इस जेड को हमने जेड वन और जेड टू शो कर दिया, तो हमारे पास जेड वन बराबर आ गया लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा बाई वन और जेड टू बराबर आ गया लेमड़ा एक्स टू प्लस वन माइनस लेमड़ा बाई टू। अब हमें करना है कि सी एक कॉन्वेक्स सेट है, तो इसके लिए हमें शो करना होगा कि ये जो जेड है, यानी जेड हमारे पूरे लाइन सेगमेंट को शो कर रहा है, क्योंकि लेमड़ा की जो भी वैल्यू होंगे हम जीरो से वन के बीच में अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो वो पूरी लाइन को शो करेगा उस पर, तो उस लो जो लाइन सेगमेंट है, यानी कि जेड ये कोई फिक्स पॉइंट नहीं है फ्रेंड्स, जेड पूरी लाइन सेगमेंट को शो कर रहा है, उस लाइन सेगमेंट है वो हमारे पास सी के अंदर है या नहीं हमें ये चेक करना है, तो इसके लिए हमें शो करना होगा कि ये, यानी कि हमें शो करना होगा ये जो पॉइंट है अर्थात कि टू जेड वन प्लस थ्री जेड टू इक्वल टू सेवन आ जाए हमारे पास किसी तरह, तो वो शो करना है हमें, तो हमने टू जेड वन प्लस थ्री जेड टू ले लिया। अब इसके इक्वल टू हम जेड वन की वैल्यू रख दी इसने हमने यहाँ पे, तो जेड वन की वैल्यू आ गई टू और जेड वन की वैल्यू क्या थी यहाँ से लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा वाई वन, ये हो गया। इस तरह जेड टू की वैल्यू क्या थी ये, तो ये जेड टू की वैल्यू हमने पुट कर दी, उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे फ्रेंड्स, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके बाद हमने देखा कि यहाँ से जैसे टू एक्स वन लेमड़ा वन और यहाँ माइनस टू टू वाई वन सॉरी टू बाई टू वन माइनस लेमड़ा, ये है, तो हमारे पास यहाँ से फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इसके अंदर हम मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने देखा कि लेमड़ा कॉमन ले सकते हैं, लेमड़ा एक यहाँ से कॉमन ले सकते हैं एक यहाँ से ले सकते हैं, तो ये हमने कॉमन ले लिया तो टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू बच गया, और इधर हमारे पास वन माइनस लेमड़ा कॉमन लिया तो टू बाई टू प्लस थ्री लेमड़ा टू, ये बच गया हमारे पास। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारे पास सी का पॉइंट है, तो सी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पहले ही बोल चुके हैं कि इसकी वैल्यू सेवन के इक्वल होगी, तो वहां से हमने कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो सेवन के इक्वल यहाँ वैल्यू पुट कर दी, ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये भी सेवन के इक्वल पुट होगी। अब प्लस फ्रेंड्स सेवन हमने कॉमन ले लिया तो लेमड़ा प्लस वन माइनस लेमड़ा, तो लेमड़ा से लेमड़ा कट जाएगा अंदर बचेगा वन, यानी इक्वल टू सेवन, सो टू जेड वन प्लस थ्री जेड टू इक्वल टू सेवन, जो कि हमने शो हो गया कि जेड बिलोंग्स टू सी, जो हमारे पास सो लेंथ सेगमेंट फॉर एक्स एंड वाई इज लाइज इन सी, सो सी इज कॉन्वेक्स। अब फ्रेंड कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड हम कुछ थ्योरम पढ़ते हैं, जो पहली थ्योरम है वो है हमारे पास आई अ हाइपरप्लेन इन आर एन इज अ कॉन्वेक्स सेट। आ हाइपरप्लेन क्या होता है फ्रेंड्स, हमने स्टार्टिंग में भी बताया था और यहाँ पे भी देख लीजिए, हमने हाइपरप्लेन की डेफिनेशन वही ली है, जो हाइपरप्लेन की डेफिनेशन होती है वो सी एक्स बराबर जेड, यानी कि जहाँ पे सी है अपने पास वो हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है वन क्रॉस एन का, और जो एक्स है हमारे पास वो एन क्रॉस वन का कॉलम मैट्रिक्स है, तो वो इसी तरह से हो जाएगा सी एक्स।